हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमलेश कार एक्सेसरीज। न्यू वैगनर 2021 मॉडल, BS6 मॉडल है, पूरा बेस मॉडल है ये वाला। आप लोग के सपोर्ट से और प्यार से आज एक और नई हम वैगनर जो मॉडिफाई कर रहे हैं। ये अपनी शॉप है, पूरा बेस वेरिएंट है। कंपनी वालों ने अभी तक कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं सीट कवर दिए, नहीं लेदर फ्लोर मैटिंग दी हुई है, सिस्टम भी नहीं दी हुई है, स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं दिया, पूरी बेस वेरिएंट है। आज हम इसमें मॉडिफिकेशंस कुछ करने वाले हैं, ऑलमोस्ट मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। इसमें डोर वाइजर लगाने वाले हैं, सीट कवर लगाने वाले हैं, फ्लोरिंग लगाने वाले हैं, स्पॉइलर, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स, व्हील कैप्स, ऑलमोस्ट जो नेसेसरीज आइटम है वो सब हम करने वाले हैं इसमें। गाइस हाँ, मैं एक बार और बता देता हूँ कि हम कंपनी के सीट कवर फाड़ते नहीं है, कोई डैमेज वेमेज नहीं करते कंपनी के सीट कवर में। ये आप देख सकते हो कि अभी जो कंपनी ने फ्लोरिंग दिया हुआ है, जो ग्रास मैटिंग टाइप रहता है, वो कितना गंदा हुआ है। तो पहले ये सब क्लीन होगा, बाद में उसके ऊपर फ्लोरिंग पूरा लग जाएगा। वन पीस मोल्ड ब्लॉक और पीछे पूरा हीटलॉन मटेरियल आता है, ताकि गाड़ी जो नीचे से गर्म हो जाती है वो गर्म नहीं होने देती। मैटिंग का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है और मैटिंग भी पूरी बकेट टू बकेट और जो ब्लॉक टू ब्लॉक बोलते हैं वो बैठ गई है। कोई स्टिचिंग बिना की गाइस से मैटिंग रहती है, जिसमें कोई स्टिचिंग नहीं रहती। पूरे आगे एक्सीलेटर से लेके पीछे तक ये मैटिंग आती है, पूरी वन पीस मोल्ड ब्लॉक में। मैं आपको आगे का भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरे मोल्ड ब्लॉक में ही रहती है, ये पूरी स्टिचिंग बिना की मैटिंग रहती है गाइस। गाइस हम ये डोर वाइजर जो अनब्रेकेबल क्वालिटी में है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, जो पूरे वैगनर की बेजिंग के साथ रहते हैं। भैया इसको इस बारी दिखा दो कस्टमर को अनब्रेकेबल। ये देख लो गाइस, ये पूरी मोल्डिंग रहता है, अनब्रेकेबल वैगनर का ही रहेगा प्रॉपर। यहाँ पे पूरा वैगनर लग जाएगा डोर वाइजर, ये डोर वाइजर से। और जो आगे हम बम्पर प्रोटेक्टर में जो कंपनी मारुति सुजुकी वाले देते हैं कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट वाला, वो ही हम लगाने वाले हैं। यहाँ पूरा इंस्टॉल हो जाएगा बम्पर प्रोटेक्टर, आगे दो लग जाएगा, पीछे भी दो लग जाएगा। और जो कंपनी का मारुति सुजुकी जो कंपनी देती है बम्पर प्रोटेक्टर, वही जो कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट में आता है। सिस्टम अभी बाकी है गाइस, और स्पीकर्स भी बाकी है गाइस। सीट भी एक रेडी हो चुकी है, जो पूरे एज ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, ये पूरी वैगनर के बेजिंग के साथ रहता है। और जो इसमें चेक्स डिज़ाइन जो अभी हाल की लेटेस्ट में चल रही है, वो डिज़ाइन में हमने लगाया हुआ है। डबल स्टिच के साथ आता है, और इसका फिटिंग आप एक बार ही चेक कर लो। पूरा फिटिंग भी पूरा बकेट फिटिंग होता है। लेफ्ट हैंड साइड डोर वाइजर लग गए, और मैं आपकी लुक आपको एक बार ही चेकआउट करवा लेता हूँ गाइस। एक डोर वाइजर लगने से ये पूरी गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो जाता है, जो वैगनर के बेजिंग के साथ ही रहता है। ये वो बम्पर पट्टा जो मारुति सुजुकी ओरिजिनल में जो कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट वाला देती है, वो मैं एक बार ही चेकआउट करवा लेता हूँ आपको। ये वाले बम्पर पट्टा जो बम्पर प्रोटेक्टर बोलते हैं, जो कंपनी मारुति सुजुकी वाले देते हैं। अब स्टेयरिंग कवर भी इंस्टॉल होने जा रहा है, जो रियर स्टिचिंग के साथ आएगा। और ये पूरा सेमी लेदर जो प्योर लेदर बोलते हैं वो वाला है।
एक बारी मैं भी इसे चेकआउट करवा लूँगा लगने के बाद पूरा। और आ गया इस ये फॉग लैंप है जो DRL के साथ प्रोजेक्टर लैंप के साथ रहती है। ये पूरी मेटल बॉडी आती है और इसका उजाला रात नाइट में बहुत अच्छा रहता है। ऐसी पूरी दो लग जाएगी और पूरी जो मैंने बताया मेटल बॉडी वो ही आएगा। अब देख सकते हैं गाइस के ये पूरा सेटअप पूरा वैगनर में लगने जा रहा है जो ये पायनियर का G229BT है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी कि मुझे एंड्रॉयड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आवाज़ चाहिए, जो इफेक्ट मिलती है वही चाहिए। इसमें JBL का इंटरनेशनल मॉडल का रहता है, इंटरनेशनल मॉडल स्पीकर आएगा जो 350 वॉट का रहता है। ये वूफर बेस स्पीकर रहता है और इसकी ये जो वुडन रिंग रहती है वो वाइब्रेशन ना आए इसके लिए मारने की रहती है। टॉर्क का सेंटर लॉक आएगा जो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये सब सारे सॉकेट आएंगे जो स्पीकर में लगाने पड़ते हैं। ये टॉर्क का सेंटर लॉक आएगा, इसका मैं आपको एक बार रिमोट भी चेक करा लेता हूँ। ये सेंटर लॉक का रिमोट आएगा जो लॉक अनलॉक ये साउंड ना इसके लिए, और ये जो ट्यूनिंग का रहता है उसके लिए रहता है। ऑटो टॉर्क कंपनी का आएगा, 3 ईयर्स की वारंटी के साथ रहता है ये। और इसमें पूरे 2 रिमोट्स रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पायनियर का G229BT। ये रिवर्स कैमरा भी आएगा, ये डे नाइट विजन वाला आएगा ताकि नाइट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पूरा डे नाइट विजन का आता है ये कैमरा। ये पायनियर का आएगा, 1 ईयर का 2 ईयर्स का वारंटी रहता है इसमें। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। पूरा टच स्क्रीन रहता है और इसमें इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी जो बाकी सारे एंड्रॉइड से, उससे ज़्यादा इफेक्ट मिलती है इसमें। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी कि मुझे ये पायनियर का ही चाहिए। तो उसकी उपयोग की फ्रेम आती है, ये रिमोट्स आता है, ये रिमोट्स आएगा, ये कंपनी का सॉकेट आता है, ये माइक कंट्रोल स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए रहता है, और ये पूरा पायनियर का प्लेयर आएगा जो टच स्क्रीन रहता है। पायनियर का प्लेयर आएगा, पूरा टच स्क्रीन जो ब्लूटूथ में रहता है, वीडियो भी आप इसमें चला सकते हैं। और ये जेन्युइनली पायनियर का ही आएगा, जो ओरिजिनल रहता है वो ही आएगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होता इसमें। तो ये पूरा सेटअप हम वैगनर में इंस्टॉल करने वाले हैं आज। आप देख सकते हैं गाइस कि सिस्टम का काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये पूरी स्पीकर के लिए वुडन रिंग आती है जो वाइब्रेशन ना है इसके लिए लगाई जाती है। और गाइस ये बहुत ज़रूरी है, JBL के स्पीकर है। और हाँ, ये स्टेयरिंग कवर भी इंस्टॉल हो चुका है जो रेड स्टिचिंग में आएगा पूरा, और काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है, पूरा रेड स्टिचिंग में आता है। सिस्टम का काम भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे विंडो गार्निश भी लग चुकी है जो प्योर SS की रहती है, इसमें जंग बंग लगता नहीं है। पीछे स्पॉइलर भी लगा दिया है, यहाँ पे पीछे स्पॉइलर भी लग गया है। नीचे बम्पर प्रोटेक्टर जो बोलते हैं कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट वाला, वो भी इंस्टॉल हो गए हैं। यहाँ पे स्पॉइलर भी इंस्टॉल हो चुका है। और जो हाँ गाइस, इसमें जो वायरिंग की जाती है वो पूरी सॉकेट टू सॉकेट ही रहती है, इसमें कोई वायरिंग कट नहीं होती जो कंपनी की। मैं एक बार ही आपको चेक करवा देता हूँ। ये पूरा सॉकेट के सॉकेट ही रहता है और ये पूरा फिटिंग भी प्रॉपर तरीके से फिटिंग रहता है, दोनों साइड सीट्स भी लग गई है। और नीचे 5 पीस वाली रबर की जो मैटिंग रहती है वो भी लग चुकी है। वन साइड स्पीकर भी इंस्टॉल हो चुका है,
आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से स्पीकर फिट हुआ है। देखो ये पूरा JBL का ही आएगा और ऊपर भी स्पीकर रहता है, ट्विटर इनबिल्ट रहता है, ये कोएक्सल स्पीकर रहता है। पीछे वुडन की रिंग लगाई हुई है ताकि कोई वाइब्रेशन ना आए। आप देख सकते हो गाइस हमारे वहाँ प्रॉपर तरीके से काम रहता है, जो फिटिंग और फिनिशिंग भी रहता है वो भी प्रॉपर तरीके से किया जाता है। ये आप स्टेयरिंग कवर की भी एक बारी फिटमेंट आप देख लो। यहाँ पे पायनियर का टच स्क्रीन भी इंस्टॉल हो गया है। विंडो गार्नर्स का भी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ गाइस, और पूरी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सब सिस्टम का ही काम बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट सब डन हो चुका है, व्हील कैप्स भी बाकी है। ये पूरी विंडो गार्नर्स रहती है, प्योर SS की रहती है, इसमें जंग बंग लगने का कोई चांसेस नहीं रहता। देख सकते हो गाइस कि इधर व्हील कैप लगा दी गई है जो ब्लैक और सिल्वर कलर में है, और इधर लगने जा रही है। ये पूरी व्हील कैप लग गई, जो अंदर से लॉक आता है वो लॉक ही करने का रहता है, और ये जो मेन जो रहता है इसमें ये पूरी रिबिन रहती है, इसको टाइट करके ये छोड़ देना रहता है, क्योंकि बारिश में भी गड्ढे बड्ढे में जाए ताकि ये व्हील कैप निकले ना, इसके लिए हम सेफ्टी के लिए ये रिंग भी लगा देते हैं। और आप देख सकते हो कि व्हील कैप लगाने से भी एक गाड़ी का जो लुक रहता है वो भी पूरा चेंज रहता है। ये ब्लैक और सिल्वर कलर में तो पूरी व्हील कैप ही सूट करती है, क्योंकि गाड़ी पूरी व्हाइट है और अंदर की जो रिम रहती है वो पूरी ब्लैक सिल्वर रहती है। यहाँ से गाइस प्रॉब्लम लग गया है, उस साइड बाकी है, सेंटर लॉक का काम चालू है। एक साइडवे से आप देख सकते हो कि पूरी गाड़ी पूरी परफेक्ट लुक के साथ आ रही है, जो व्हील कैप लग गया है, साइड बीडिंग लग गई है, विंडो गार्नर्स लग गई है, डोर वाइजर लग गया है, पीछे रियर स्पॉइलर लग गया है। आगे फॉगलाइट भी स्टार्ट हो चुकी है। पूरी फॉगलाइट आएगी दोनों साइड, इसका व्यू भी नाइट में पूरा अलग ही लगता है। गाइस तो वैगनर का वर्क डन हो चुका है, पूरी वैगनर हमने कम्प्लीटली मॉडिफाइड कर दी है, पीछे स्पॉइलर लगा दिया हुआ है, रिवर्स कैमरा लगा हुआ है जो LED नाइट विजन में रहता है, बम्पर प्रोटेक्टर, मड फ्लैप, डोर वाइजर, विंडो गार्नेस, डोर गार्ड जो साइड बीडिंग रहता है, और हाँ गाइस ये सेंटर लॉक रहता है, ये अनलॉक, ये लॉक, अनलॉक, ये खुल गया। मिलवाने जाऊंगा ओनर ऑफ द कार प्रणय भाई। प्रणय भाई हमारा काम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा आपका काम, और आपका जो रिस्पांस है मतलब कस्टमर को किस तरह से गाइड करने का वो भी मेरे को पसंद आया। और ये सिस्टम और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी कि मुझे ये 299 BT वाला ही चाहिए, तो आपको परफेक्ट टाइम पे मिल गया ना? हाँ वो मिल गया आपने, मतलब मैंने बोला था जो मंगा चाहिए था वो आपके पास नहीं था, लेकिन आपने वो अरेंज करवा के दिया। बाकी पूरा मार्केट में अभी कोई किसी जगह अवेलेबल नहीं है ये चीज। मैं आपको इसका रिस्पॉन्स भी बता देता हूँ, जिसका जो आउटपुट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिवर्स कैमरा भी आपको फुल HD विजन में देखने को मिलेगा, और पूरी क्लियर विजन में आएगा, नाइट में भी क्लियर विजन मिलेगा, ये डे नाइट विजन वाला कैमरा है।
तो सर कैसा लगा आउटपुट? बहुत जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा। थैंक यू सर, आप रिस्पांस लेते रहिएगा ऐसे ही, और आपके तरफ से दूसरे दो चार कस्टमर भी आए ऐसा कुछ काम करें। चलो थैंक यू।